के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर उस बीच आपको बता दें जो उस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर रोहतक में एक बार फिर से कोरोना का कहर जारी है। 65 वर्षीय बुजुर्ग की कोरोना के चलते मौत हुई है रोहतक के अंदर। जिले में अब मौत का आंकड़ा बढ़कर 8 हुआ है, तो चिंता का विषय रोहतक वासियों के लिए। लगातार ये मौत का आंकड़ा बढ़ता हुआ और जिले में संक्रमितों का आंकड़ा भी 624 तक पहुंच चुका है। हालांकि रोहतक जिले के अंदर एक्टिव केस 225 हैं, लेकिन लगातार ये नए मामले जो सामने आ रहे हैं ये परेशान करने वाले हैं रोहतक वासियों को। इस बीच एक बड़ी खबर, जहां पर 65 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हुई है कोरोना के चलते। तो रोहतक के अंदर अब ये मौत का आंकड़ा बढ़कर 8 तक पहुंच गया है। आपको बता दें कि जिले में कुल अब यह आंकड़ा 624 हो चुका है जो कोरोना से संक्रमित हुए हैं। हालांकि रोहतक में एक्टिव केस 225 हैं, बाकी लोग रिकवर कर चुके हैं इस महामारी से। लेकिन जिस तरह से ये आंकड़े लगातार हर दिन सामने आ रहे हैं, ये वाकई चिंता बढ़ाने वाले हैं जिले भर की। तो चले उस बीच एक बड़ी खबर सोनीपत से, और यह खबर कोरोना से जुड़ी है। आपको बता दें पिछले 24 घंटे में 82 नए मामले सामने आए हैं। जिले में अब संक्रमितों का आंकड़ा 1468 तक पहुंच चुका है, यानी कि तकरीबन 1500। हालांकि इलाज के बाद 854 लोग ठीक हो चुके हैं, रिकवर कर चुके हैं इस महामारी से। लेकिन एक्टिव केसों की संख्या अभी भी यहां पर काफी ज्यादा। तो सोनीपत में कोरोना को लेकर यह बड़ी खबर आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। पिछले 24 घंटे में 82 नए मामलों से एक बार फिर से दहला है जिला। जिले में अब संक्रमितों की संख्या 1468। लगातार हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं कोरोना से जुड़ी। इलाज के बाद 800 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, लेकिन एक्टिव केस लगातार सोनीपत में डराने वाले। तो कोरोना को लेकर यह बड़ी खबर इस बीच। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो उस वक्त की एक और बड़ी खबर। यह खबर भिवानी से है, कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर भिवानी जिले से। जिले में 10 नए मामले सामने आए हैं, तो भिवानी में भी यह संख्या लगातार बढ़ती हुई इजाफा होता हुआ। इन संख्याओं में 5 केस तो शाम से 5 केस भिवानी से सामने आए हैं। तो कोरोना को लेकर यह बड़ी खबर भिवानी से। आपको बता दें भिवानी के आंकड़े जहां पर 10 अंक और ऐड हुए हैं इन संक्रमितों की संख्या में, यानी कि 10 केस और बढ़े हैं, जिनमें से 5 केस तो शाम से, 5 केस भिवानी से सामने आए हैं। तो ये बड़ी खबर भिवानी से आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। हम लगातार एक एक जिले का हाल आपको बता रहे हैं, जो ताजा हाल क्या कुछ है हरियाणा के उन तमाम जिलों का, जिन पर नजर आप सबकी बनी हुई है। तो 5 केस तो शाम से, 5 केस भिवानी से सामने आए हैं। परेशान किया है इन लगातार बढ़ते हुए आंकड़ों ने भिवानी जिले वासियों को। और सबसे बड़ी बात, जिले में 10 नए मामले सामने आए हैं, और इन 10 मामलों के बाद भिवानी के अंदर लोग परेशान हैं, क्योंकि 5 केस तो शाम से, 5 नए केस भिवानी से, और ये आंकड़े लगातार बढ़ते हुए, चिंताएं बढ़ती हुई जिले वासियों की। और वो तमाम जिले जो कोरोना से प्रभावित हैं, उन सभी जिलों का हाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। इसी कड़ी में बात भिवानी की, जहां से 10 नए केस ने चिंता बढ़ाई है भिवानी जिले वासियों की। तो भिवानी में कोरोना को लेकर यह बड़ी खबर आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर। जिले में 10 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से 5 केस तुषाम से और 5 केस भिवानी से सामने आए हैं। डराने वाले ये आंकड़े लगातार बढ़ते हुए, चिंताएं बढ़ती हुई भिवानी जिले वासियों की, क्योंकि यह संख्या अब लगातार बढ़ती जा रही है, चिंताएं बढ़ती जा रही हैं जिले वासियों की लगातार। आपको बता दें कि 5 केस तो शाम से, 5 नए केस भिवानी से सामने आए हैं, और इन बढ़ते केसों ने एक बार फिर से चिंता बढ़ाई है प्रदेशवासियों की। जिले में, भिवानी जिले की बात करें तो जिले में 10 नए केस सामने आए हैं, और इन 10 मामलों ने
चिंताएं बढ़ाई हैं। तो भिवानी जिले का ये ताजा आंकड़ा आप सबकी टीवी स्क्रीन पर, लगातार ये मामले बढ़ते हुए, चिंताएं बढ़ती हुई। भिवानी वासियों की 5 नए केस तो शाम से 5 नए केस भिवानी से सामने आए हैं और लाजमी भी है चिंताएं बढ़ना, क्योंकि लगातार ये बढ़ते आंकड़े अब डराने वाले हैं। तो 5 केस तो शाम से 5 नए केस भिवानी से सामने आए हैं। लगातार कोरोना के आंकड़े भिवानी में बढ़ते हुए, 10 नए मामलों ने भिवानी जिले की चिंताएं एक बार फिर से बढ़ाई हैं। हालांकि प्रदेश की बात करें तो प्रदेश का रिकवरी रेट काफी हद तक सुधरता हुआ 70 को पार कर चुका है। ये रिकवरी रेट जो तकरीबन 50 के आसपास था, इससे ये जरूर कहा जा सकता है कि प्रदेशवासियों को रिकवरी रेट के चलते थोड़ी सी राहत हो सकती है, लेकिन नए मामलों में कोई कमी नहीं है और नए मामलों में कोई कमी ना होने के चलते ये आंकड़े प्रदेश और तमाम जिलों के लगातार बढ़ते हुए, 5 नए केस तो शाम से 5 नए केस भिवानी से सामने आए हैं। आंकड़ों ने चिंताएं बढ़ाई हैं भिवानी वासियों की। जिले में 10 नए मामले सामने आए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक वर्मा भिवानी से जुड़े हुए हैं। दीपक, भिवानी में लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं, 10 नए केस, परेशान जिले वासियों को किया है नए केसेस ने। मैं चाहूंगा आप अपडेट्स दें, ये केस कहां कहां से सामने आए हैं और इनके संपर्क में आने वाले लोगों को क्या क्वारंटीन किया गया है। बिल्कुल, इस प्रकार से बता दूं कि भिवानी के अंदर लगातार जो कोरोना के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आज जो जिस प्रकार से नए 10 केस आज भिवानी के अंदर आए हैं, जिसमें जो 5 भिवानी शहर से ही हैं और 5 भिवानी जिले के जो मंडल है तोशाम के रहने वाले 5 पॉजिटिव केस जो है वो आए हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने तो जैसे ही इनकी रिपोर्ट्स प्राप्त हुई है उनके परिवार वालों से संपर्क करना उन्होंने शुरू कर दिया है, क्योंकि इस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन है कि लोगों का उसे पूछा जाता है कि वो होम आइसोलेशन में रहेंगे या स्वास्थ्य विभाग के जो सेंटर बना रखे हैं, हॉस्पिटल है या आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं वहां अपना इसी के अनुसार जो है स्वास्थ्य जहां जहां पॉजिटिव केस मिले हैं उनके परिवार वालों से भी संपर्क किया जाएगा, उनके परिवार के लोगों के भी सैंपलिंग की जाएगी। वहीं जो उनके आस पड़ोस के जो लोग हैं, उनके आस पड़ोस के जो रहने वाले लोग हैं वहां की भी सैंपलिंग जो है स्वास्थ्य विभाग करेगा। अच्छा, हमारे साथ संजय भी जुड़े हुए हैं रोहतक से तमाम अपडेट के साथ। संजय, रोहतक में ताजा खबर ये है 65 साल की एक बुजुर्ग की मौत हुई है, अपडेट्स क्या कुछ हैं, रोहतक का हाल क्या है? देखिए वैभव, लगातार वही रोहतक जहां पर देश व प्रदेश के जो है नेता जो है पीठ थपथपाते थे कि ये रोहतक जिला पूरी तरह से कोरोना मुक्त है, लेकिन अब वो जिला जो है पूरी तरह से ग्रसित होता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं उससे लगता है कि कहीं ना कहीं पूरा इलाका जो है चपेट में आ गया है कोरोना की, और ऐसे में बचना बड़ा मुश्किल है, तो कहीं ना कहीं लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल 24 घंटे में 31 नए मरीज मिले हैं, जिसमें कहीं ना कहीं हिस्ट्री उनकी दिल्ली से बताई जाती है, गुरुग्राम से बताई जाती है, आसपास के जिलों से बताई जाती है, तो कहीं ना कहीं वो जिले के लिए बड़ा खतरनाक भयानक साबित हो सकता है, क्योंकि लगातार केस बढ़ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 8 लोग जो है मौत की आगोश में सो गए हैं, क्योंकि 8 लोगों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा आंकड़ा जो है वो है। और दूसरी राहत की खबर ये है कि ठीक होने का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन भी पूरी तरह से होना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से ये महामारी फैल रही है पूरा विश्व इससे गुजर रहा है, इसको कहीं ना कहीं लोगों को सचेत होना पड़ेगा, और जिस तरह से सरकार की गाइडलाइन जो आई है उनको पूरी तरह से ध्यान में रखकर उन पर सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं सावधानी बरतना संदेह वाकई बेहद जरूरी। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक वर्मा भी जुड़े हुए हैं, सोनीपत का हाल लेना भी बहुत जरूरी, क्योंकि सोनीपत में भी आंकड़े लगातार बढ़ते हुए हैं। दीपक, सबसे पहले वो ताजा आंकड़े जो सोनीपत जिले से सामने आए, मैं चाहूंगा आप बताएं। जी, सोनीपत में कल की तारीख
में कुल 82 केस नए सामने आए थे, जिसके बाद सोनीपत में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1468 में पहुंच गई है। तो 1500 के करीब हम पहुंच गए हैं। उसकी दूसरी तरफ के अगर हम रिकवर करने वालों की बात करें तो 854 लोग रिकवर कर चुके हैं, लेकिन 18 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अभी ताजा जानकारी ये भी मिल रही है कि एक बुजुर्ग ने अभी कुछ देर पहले भी दम तोड़ा है, जो कोरोना की पेशेंट थी, तो उसके बारे में भी अभी स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभी ये सूचित नहीं किया गया है कि ये मौत कोरोना से है या नहीं। हालांकि अभी तक जो डॉक्टर बता रहे हैं कि वो कोरोना से ही, क्योंकि पेशेंट थी तो उसकी मौत हुई है, तो वो कोरोना से जो मरने वाले लोग हैं उन्हीं में आंकड़ा उनका गिना जाएगा। तो 596 एक्टिव केस अभी भी सोनीपत लगातार ये बढ़ते मामले परेशान करने वाले हैं प्रदेशवासियों को।